everyone, welcome to our channel Knowledge Hub and subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. We are going to start with reasoning class and that is your coding and decoding हम कर रहे हैं. आज आपका class number 86 है. Already इससे पहले जो हमने analogy के class किया था, analogy में हमने already 150 questions से ज़्यादा 150 से 200 questions किए हैं. उसके बाद हमने classification उठाया, that is your 150 उसमें भी questions किए हैं. Then इसके बाद हमने series completion उठाया, उसमें हमने 100 से 120 questions किए हैं. अभी जो हम फोर्थ टॉपिक उठा रहे हैं, जैसे जो कि आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इसमें भी हमने ऑलरेडी 116 क्वेश्चन कर लिया. आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो 117 क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे सबके ही बेसिक्स से लेके चले, बेसिक्स से लेके टू द टफेस्ट लेवल तक हमने सारे क्वेश्चन कराए हैं. सो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या आपने हमारे चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट द क्वेश्चन, दैट इज़ योर 117. द क्वेश्चन स्टेट्स दैट LBP, दैट इज कोडेड एज रोजेस आर ब्लू, sick hick that is coded as red flowers, p mit he coded as flowers or vegetables. This is asked in your bank PO question paper. How is red written in that code? Red ka code aapko nikalna hai. What we have to see, option A is sick, B is he and C is your B. So abhi dekhenge red color ka code kaise nikalenge. Red color ka roses are blue, okay, रेड फ्लावर एंड देन पिच ही में फ्लावर्स आर वेजिटेबल. सो वॉट रेड यहाँ पे सिर्फ आया है, सो रेड के लिए साथ साथ यहाँ पे फ्लावर भी है, फ्लावर यहाँ पे भी दिख रहा है. सो हियर पी मिट ही, पी मिट ही में से कोई ही जो है वो ही कोडेड एज फॉर फ्लावर, तो वी आर टेकिंग एज रेड के लिए क्या होगा, सिक. एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 118. हाउ रोजेस रिटन इन दैट कोड. अब रोजेस की कोडिंग आपको निकालनी है. रोजेस की कोडिंग के लिए ऑप्शन है आपके है पी बी इज कांट बी डिटरमाइन एंड सी इज नन ऑफ दीज. रोजेस के लिए देखो, रोजेस एक यहाँ पे वर्ड आया है और बाकी यहाँ पे भी नहीं आया एंड हेयर इज ऑल्सो नॉट देयर. सो रोजेस के लिए या तो इल होगा या तो बी होगा या तो पी होगा, लेट सी. उसके बाद आर और ब्लू के लिए अगर हमें कोडिंग मिल जाए, सो वी कैन फाइंड इट आउट फॉर द रोजेस. आर देखेंगे यहाँ पे सेंटेंसेस में है नहीं है, यहाँ पे है. इट मीन्स आर के लिए यहाँ पे पी मिट नी में से इनमें से यहाँ पे कोई होगा. पी इज कोडेड फॉर बोथ, तो हम लेट कर रहे हैं कि आर जो होगा वो पी होगा, तो पी यहाँ पे नहीं होने वाला. ओके फॉरवर्ड, अब हम ब्लू के लिए चेकआउट करेंगे. रेड फ्लावर्स नहीं, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, इसका मतलब है ब्लू के लिए इन्होंने यहाँ पे कोडिंग दी ही नहीं है. तो जब ब्लू के लिए कोई कोडिंग दी नहीं है तो वी कांट डिटरमाइन कि रोजेस एल होगा या बी होगा. सो दैट इट इज योर ऑप्शन इज योर कांट बी डिटरमाइन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 119. हाउ इज वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स रिटन इन दिस कोड. अगर मुझे कोड करना है, अभी तक एक एक वर्ल्ड का कोड कर लेते हैं, अब इन्होंने एक सेंटेंस दे दिया है वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, सो अभी इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू सी कि वेजिटेबल्स, अभी देखो पी के लिए मैंने बोला आर इज कोडेड एज, ठीक है, तो पी रेड के लिए आर के लिए हो गया, इसके लिए तो पी होगा. ओके तो हम इसके लिए आर के जगह पे लिख दे रहे हैं पी. वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, रेड के लिए हमने यहाँ पे निकाला था दैट इज योर सिक. ओके एस आई के. अब हम निकालेंगे फ्लावर्स के लिए. फ्लावर्स के लिए इन्होंने कोड किया फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए यहाँ पे ही कोडेड है. ओके इतना तो हमें मिल गया. वेजिटेबल्स के लिए अब चेक करेंगे, फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स, तो पी आपका हो गया आर के लिए, ही हो गया आपके लिए फ्लावर्स के लिए, एंड रिमेनिंग इज मिट. मिट जो है वो वेजिटेबल्स के लिए होगा. तो देखो इस तरह से हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को निकाल लेंगे. ओके एंड यू कैन सी दैट वेजिटेबल्स के लिए जो हमारे यहाँ पे है आंसर, दैट इज योर ऑप्शन ए इज पी सिक ही बी. नो सिक पी ही बी, देखो पिट हमें चाहिए मिट पी सिक ही, तो यहाँ मिट है ही नहीं, यहाँ पे मिट नहीं है, यहाँ पे है मिट, मिट है, लिखेंगे पी है सिक है, सिक है ही है, ही है. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉट अ बी एंड नॉट ए. According to that, you have to find out the all the coding and then you can find it out the answer as well. You have to see the first order of the coding and how they are coded as,
एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि किस तरह से हम इसको कोडिंग के आंसर को निकालना है. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज क्लास दैट इज टाइप 6. टाइप 6 जो है वो मिक्सड नंबर कोडिंग है. अभी तक अल्फाबेटिक कोडिंग हमें मिलता था, एक अल्फाबेटिक कोडिंग इधर होता था, एक अल्फाबेटिक इधर होता था, देन वी आर फाइंडिंग द अल्फाबेटिक कोडिंग एज वेल. अभी हमें यहाँ पे नंबर मिक्स नंबर कोडिंग मिलेगा, जिसके साथ नंबर कोडिंग के साथ पेयरिंग अल्फाबेटिक कोडिंग भी होगा, या कोडिंग के साथ हमें नंबर कोडिंग भी निकालना है. सो दैट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सेशन. ओके मूविंग ऑन विद टाइप ऑफ 6 दैट इज योर मिक्स नंबर कोडिंग. सो हियर यू कैन सी दैट फॉर द टाइप 6 दैट इज मिक्स नंबर कोडिंग, इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन अ फ्यू ग्रुप्स एंड द नंबर्स इन ईच कोडिंग ऑफ अ सर्टेन शॉर्ट मैसेज आर गिवन through a comparison of the given coded message taking two at a time, the candidate is required to find the number code for the word and then formulate the code for the message given. So basically यहाँ पे number दिया जाएगा, number के साथ आपको code दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको एक short messages कह सकते हो आप number किस तरह से, उसमें आपको code किया जाएगा and then you have to find out the answer. क्वेश्चन एक करके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 128th क्वेश्चन जो है दैट इज 786 इज कोडेड एज स्टडी वेरी हार्ड, 958 इज कोडेड एज हार्ड वर्क पे, 645 स्टडी एंड वर्क. और हमें फाइंड आउट करना है वेरी का कोड फाइंड आउट करना है. ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज 7, बी इज 6 एंड सी इज 8. लेट्स सी कि हमारा जो वेरी है वो कैसे कोडेड है. वेरी यहाँ पे एक आया हार्ड वर्क पे, ओके डोंट वांट, स्टडी एंड वर्क वी डोंट वांट. सो वेरी हमें चाहिए. वेरी के लिए यहाँ पे या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा. एंड 7, 8, 6 दोनों हमारे ऑप्शंस में है. लेट्स सी, पहले हम फाइंड आउट करेंगे 7 के लिए कोडिंग, सॉरी स्टडी के लिए कोडिंग, एंड देन हार्ड के लिए कोडिंग, एंड देन आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द वेरी वन. स्टडी हम देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है. सो वी वॉट वीट 645, 645 में से यहाँ पे 6 कॉमन है. सो 6 इज नॉट कोडेड फॉर स्टडी, सॉरी वेरी. सो दिस इज कोडेड एज फॉर स्टडी, सो वी डोंट वॉन्ट दिस. हार्ड के लिए चेक करेंगे, हार्ड यहाँ पे इसमें 958 है, 958 में से यहाँ पे दोनों में कॉमन 8 है, तो इट मीन्स 8 इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. सो द रिमेनिंग 7 इज कोडेड एज फॉर वेरी एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दिस इज आस्क्ड इन योर SBI PO क्वेश्चन पेपर. Moving on to the next question that we have is question number 121. And here you can see that for the 121 question, the question is 324 is coded as light is bright. And then 629 is coded as girls is beautiful. 4758 is coded as I prefer bright clothes. And you have to code for the light. You have to find out the light coding. And this is asked in your hotel management question paper. And the options you have is option A is 2, B is 3, and 4 is C. So C is 4. Okay, so that what you have to find out the light one. So light ek yahan pe dikh raha hai mujhe. And now you don't want. अभी इसके लिए कोड करना है एंड ब्राइट के लिए कोड करना है. सो व्हाट वी फाइंड इसके लिए, इस देखो यहाँ पे इन दोनों में 629 है, 324 है. सो 2 इज कोडेड, तो 2 जो है वो आपका इसके लिए कोड किया गया है, तो वी डोंट वांट 2. ओके देन फॉर द ब्राइट आई प्रेफर ब्राइट क्लोथ्स 4758, 4758 में से देखो 4 है, 4 यहाँ पे कॉमन है, तो 4 वी डोंट वांट बिकॉज 4 इज कोडेड फॉर द ब्राइट एंड वी वांट लाइट. एंड द लाइट के लिए हमारा जो आंसर होगा दैट इज 3. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके सो यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इन अ मैनर दैट व्हाट वी हैव सॉल्वड, एंड यू कैन गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस व्हिच वी हैड डन, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियोस सो दैट मैनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एज वेल. एंड यू कैन ऑल्सो प्रोसीड विद द क्वेश्चन, एंड इफ यू नीड एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर योर practice one, you can also comment on the comment section, then I can provide you the question as well. And please go through with all the classes which we had done. Do subscribe our channel and share our videos. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Thank you.